ऑपरेटर साहब अपना नाम बताइए। विनोद कुमार चौधरी, क्रेन ऑपरेटर, क्रावल क्रेन 250 टन। इसका बारे में हम जानकारी देंगे, फंक्शन क्या है, लफिंग बूम में अपना चल रहा है फ्रंट। ये सबसे पहले चाबी ऑन करेंगे। ये देखिए, चाबी ऑन करने के बाद ये डिस्प्ले में दिखाएगा, डिस्प्ले और दिखाइए, डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। इसमें देखिए फ्रेंड, अपना लफिंग बूम में चल रहा है। ये मेन बूम 50 मीटर है और लफिंग बूम 51 मीटर है, जिसका रेडियस 49 मीटर 95 आ रहा है। इसका कैपेसिटी 7 टन 90.4 पॉइंट दिखा रहा है। अपना हुक का वेट दिखा रहा है 2.88 टन। इसका वायर रोप भरा हुआ है, इसको वायर रोप बोला जाता है। ये अपना दो फल भरा हुआ है। ये इसका काउंटर बेड है पीछे का, 75 टन है। और ये मेन बूम का डिग्री है 83.2, और ये लफिंग बूम का अपना डिग्री है 35.5। ये डिग्री है इसका बूम का। और ये अपना आवर्स मीटर है फ्रेंड, ये अपना रेसिंग जिसका करेगा इस लेटर वो देता है। और ये अपना लेवल है फ्रेंड, ये लेवल बताता है, ये टाइमिंग है, ये हुक का बताता है फ्रेंड कि ऊपर टच होगा अपना तो बताएगा कट ऑफ। और ये फ्रेंड ये डीजल है, इसके बारे में इधर का मैं जानकारी दूंगा। ये लीवर कैसे सिस्टम चलता है फ्रेंड, ये तो वाइपर का है, सब लोग जानते हैं। ये वाइपर है, ये बूम लाइट है ऊपर का, ये लाइट है अपना फॉक्स लाइट है, दोनों है, ये बिंच लाइट है। ये सब फंक्शन में ये लाइट जलने लगेगा, ये बंद करने का है फ्रेंड। और ये इंजन का बताता है। उसके बाद ये फर्स्ट ड्रम हो गया, सेकेंड ड्रम हो गया, ये लफिंग का अभी यूज किया जाएगा इसमें। ये लफिंग का ये दो नंबर यूज किया जाता है। ये मेन हम लोग का भरा हुआ है, ये मेन बूम का ये है। और ये तो रोको थोड़ा सा, लॉक है ये बिंच लॉक। आई मेन ये लफिंग का अप डाउन करना रहता है, जिसको बाईपास लगाने के लिए ये देना पड़ता है। इसके बाद इसको डाउन करेंगे तो ये लफिंग का दिखाएगा फ्रंट। ये हुक का है ऊपर जो टर्च होता है लिमिट स्विच का, ये ड्रम का है फर्स्ट, ये सेकेंड ड्रम, ये थर्ड ड्रम, ये भी मास का है ऊपर वाला। ये पार्किंग पी दबाएंगे तो पूरा फंक्शन चालू होगा। और ये है स्विंग का, फ्री हो जाएगा, इसको दाब के दबेंगे तो फ्री रहता है, ये नहीं दबेंगे तो नहीं चलेगा। ये खरगोश है, फास्ट स्लो करने का है। ये फैन, हाइड्रोलिक फैन का पंखा है, ये 1X लिखा हुआ है। ये रिमोट का काम करता है, रिमोट पकड़ाने के लिए लगाते हैं। ये असेंबल डिसेंबल के लिए सब यूज किया जाता है। और ये है क्रेन मार्चिंग, अपना क्रावल क्रेन मार्चिंग जो होता है, आगे करेंगे पीछे, आगे पीछे करेंगे तो इसको दबाएंगे, जिधर का मुंडी रहेगा केबिन उधर चलेगा। ये केबिन का है फ्रेंड, डाउन करने का, ये अप करने का। और इधर स्विंग का है, ये देखिए फ्रेंड, ये स्विंग का है, ये स्विंग है। जितना स्पीड करेंगे, इधर करेंगे तो स्लो होगा, इधर करेंगे फ्रेंड तो स्पीड होगा स्विंग। और ये लफिंग बूम का है, ये मेन बूम का, ये इधर पेरेंगे तो कम होगा, इधर करेंगे तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। ये एक्सेलरी हुक का है, इधर ज़्यादा करेंगे इधर तो ज़्यादा होगा, इधर करेंगे तो कम होगा, स्लो चलेगा। ये मेन बिंच का है, ये मेन बिंच जो अपना हुक में भरा रहता है इसका है। ये इधर करेंगे तो फास्ट ज़्यादा होगा, इधर रखेंगे तो स्लो होगा। अपने हिसाब से मीडियम में रखना पड़ता है आराम आराम से चलाने के लिए। अभी फ्रेंड इसका लीवर के बारे में बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड, आप कैमरा के बारे में बता रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये ऊपर का दिखा रहा है, अपना बूम लफिंग बूम में लगा हुआ कैमरा है, ऊपर का दिखाता है फ्रेंड। ये पीछे का है, पीछे हम लोग के साइड में दिखाता है। और ये तीसरा नंबर ये बिंच पे दिखाता है, मेन बिंच का दिखाता है। और ये लफिंग बूम का है और एक्सेलरी हुक का इसमें दिखाता है। अभी हम लोग का इधर से चेंज होगा फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, इधर से सब सिस्टम चेंज होता है। एक नंबर दो नंबर जिसमें लगाना रहेगा वैसे करेंगे, वैसा आएगा फ्रेंड। अभी आपको यही दोनों देखना है तो इसको कर दो, आगे का देखना है, पीछे का ये देखना है तो पीछे पे रखिए। और ये अपना बिंच को देखना रहेगा तो बिंच का देखने के लिए दिया है। अभी चार हम लोग लगा के रखता है कि पूरा सिस्टम दिखे फ्रेंड। और आइए इसके बारे में बताते हैं। ये स्लेटर है,
फ्रेंड ये इसलेटर है, ये इसलेटर, ये इतना नाप करेंगे, ये एसी का है फ्रेंड। इधर चालू करेंगे तो एसी चालू होगा, देखिए फ्रेंड चालू हो गया। उसके बाद ये स्टार्ट करने का है, ये बूम लाइट है फ्रेंड। इसके बाद ये पायलट लीवर इसको बोला जाता है फ्रेंड। इधर करेंगे तो मेन बूम अप होगा, इधर करेंगे तो मेन बूम डाउन होगा फ्रेंड। ये अब इधर करेंगे तो मेन हुक नीचे आएगा, इधर करेंगे फ्रेंड ऊपर, अप करेंगे तो बूम अपना वायर रोप ऊपर आएगा हुक का। और ये है इधर दिखाइए, ये है अभी हम लोग का लफिंग में फ्रेंड लगा हुआ है। तो ये लफिंग में डाउन करेंगे फ्रेंड, ये तो नीचे जाएगा, बूम नीचे अपना आएगा। और ये अप करेंगे तो अपना लफिंग बूम ऊपर आएगा फ्रेंड। इधर लेफ्ट करेंगे तो स्विंग लेफ्ट होगा, इधर फ्रेंड राइट दबाएंगे तो स्विंग राइट होगा। उसके बाद में ये बाजा है फ्रेंड, इसको ऑन होता है, अपना बाजा बजने लगेगा। ये इमरजेंसी स्टॉप है फ्रेंड, इमरजेंसी जब कुछ होता है प्रॉब्लम तो इसको दबा देंगे तो क्रेन बंद हो जाएगा फ्रेंड। इसके बाद में मशीन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, देखिए मशीन अभी स्टार्ट हो गया है। देखिए अभी ये मशीन स्टार्ट है, देखिए ये आरपीएम यहाँ से मैं बढ़ा रहा हूँ, देखिए बढ़ रहा है फ्रेंड। ये आरपीएम है बढ़ाने के लिए, देखिए डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, ये कम बेसी करने का फ्रेंड अभी आप लोग को दिख रहा होगा। रुको थोड़ा सा, के लिए है देखिए रेस बढ़ रहा है ऊपर डिस्प्ले में। और ये क्रेन मार्चिंग करने के लिए, ये देखिए फ्रेंड आगे दाबेंगे तो आगे जाएगा और पीछे दाबेंगे तो पीछे जाएगा फ्रेंड। रुको थोड़ा सा सीधा करता हूँ। H1 H2 करेंगे, और ये इसमें है पीटीओ, इसको बोला जाता है पूरा फंक्शन चालू करने के लिए। ये स्विंग कर बटन दबाए हैं कि अभी स्विंग होगा फ्रेंड। देखिए इधर ये वाला पे दिखाइए, ये वाला बटन पे देखिए फ्रेंड मैं स्विंग कर रहा हूँ, इधर राइट दबा रहा हूँ तो ये अपना राइट अभी स्विंग होगा फ्रेंड। देखिए राइट घूम रहा है फ्रेंड, ये राइट घूम रहा है फ्रेंड। अभी आप लोग को बूम भाई दिखाऊंगा कि बूम अप डाउन कैसे होगा फ्रेंड। ये देखिए ये अभी स्विंग मैं रोक रहा है, अभी देखिए बूम अपिंग कर रहा हूँ, लफिंग बूम का आप कर रहा हूँ। इसमें दिखाइए आपको मालूम चल जाएगा, ये डिग्री है, इधर दिखाइए डिग्री के पास, ये लीवर से देखिए आप करूँगा तो ये देखिए फ्रेंड इधर डिग्री अपना बढ़ेगा। देखिए फ्रेंड डिग्री बढ़ रहा होगा डिस्प्ले में, अब बूम आप कर रहा हूँ इसमें देखिए बढ़ रहा है। देखिए डिग्री बड़ा बूम आप हो रहा है, इसमें लीवर दिखाइए, सिस्टम दिखाइए, बढ़िया से दिखाइए। ये देखिए बूम आप कर रहा हूँ फ्रेंड, ये उधर दिखा रहा है, ये आप करने का है, ये डाउन करने का है, अभी लफ्टिंग डाउन होगा। ये फ्रेंड इधर दिखाइए इसको अपना, देखिए अब ये मेन बिंच का, इधर मेन बिंच का नीचे आएगा, देखिए इधर अपना दिखाता है फंक्शन कितना हुक नीचे आया है, ये आ रहा है, देखिए आ रहा है नीचे, आ रहा है नीचे कर रहा हूँ फ्रेंड। ये लीवर से दबाना पड़ता है, मेन बिंच का है। अभी ये मार्चिंग के बारे में बता देता हूँ फ्रेंड, ये आगे दबेंगे तो अभी दिखाना, देखिए मार्चिंग के जाएगा क्रेन आगे जाएगा, देखिए फ्रेंड नीचे का भी दिखाइए, देखिए मार्चिंग हो रहा है। अभी ये पीछे दबाएंगे तो पीछे मार्चिंग होगा, देखिए पीछे मार्चिंग हो रहा है अभी फ्रेंड। उधर बाहर में भी दिखाओ जनाएगा चल रही है, देखिए फ्रेंड यही सब सिस्टम है। और लफिंग का कुछ वो ज़्यादा नहीं है फ्रेंड, कोई भी सीख सकता है। और मेरा यूट्यूब भी चैनल है विनोद किरण ऑपरेटर ब्लॉग, उस पर भी आप लोग देख सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल पे जाकर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और ये 250 टन क्रेन का मैं जानकारी दे रहा था, ये लॉफ्टिंग बूम में चल रही है अभी, पीछे का सब दिखा दो सिस्टम, इसको थोड़ा दिखा दो।
देखिए फ्रेंड, ये हॉकी टोकी है, ये लफिंग बूम में ज्यादातर यूज किया जाता है। जो सामान हम लोग को दूरी पे दिखाई नहीं देता है, जो एरेक्शन होता है फ्रेंड, बहुत हाइट पे ये होता है, अंदर में हम लोग को पूरा दिखाई नहीं देता है, इसके लिए हॉकी टोकी का यूज किया जाता है। हमारा सिंगल माइन और फोर माइन जो के थ्रू मिलता है ये हॉकी टोकी, और इसी में बोलना रहता है फ्रेंड। ये दबाएंगे इसको, देखिए दबाना रहता है, दबाएंगे इसको, बोलेंगे तो बोलेगा उधर से कि अप लो या डाउन करो या स्विंग करो या स्लो करो, इसी के अनुसार हम लोग को काम करना रहता है फ्रेंड। ये लफिंग बूम में ये जरूरी है, अपना दिखाई नहीं देगा तो हॉकी टोकी का फ्रेंड यूज किया जाता है फ्रेंड। जाइए पीछे देखिए, देखिए दोस्तों, ये 250 टन का क्रेन स्विंग हो रहा है। देखिए फ्रेंड, ये सब सिस्टम है। अभी तो लंबा वीडियो हो गया, छोटा वीडियो आप लोग को बना के दूंगा। देखिए फ्रेंड, उधर से माल उठा है, बम डाउन करने के लिए बोल रहा है फ्रेंड। ये बम डाउन हो रहा है, देखिए वो माल जो आदमी लगा हुआ है वहाँ पे, देखिए बम डाउन हो रहा है। देखिए फ्रेंड,
दिखा रहा हूँ, बूम डाउन हो रहा है, लोग तो है सब काम करने वाले, वहाँ फंसा हुआ। अभी लंबा वीडियो हो गया, अभी यहाँ पे रखते हैं।